आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज टेंपरेचर हैज नो इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स है। इसे बोल रहा है कि टेंपरेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। हमारा डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स के, वो इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स पार्टिकल का इंटरमिक्स होता है। दो अलग अलग मैटर होते हैं, उन दोनों मैटर के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन पे रेट ऑफ डिफ्यूजन का टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। कैसे? सपोज जब घर पे फूड कुक होता है, तो जो गर्म खाना होता है, हॉट फूड होता है, तो उसका जो एरोमा है वो पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फूड का जो स्मेल है, उसके पार्टिकल्स रूम के एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिससे उसका एरोमा स्प्रेड हो जाता है। लेकिन वहीं जब कोई फूड ठंडा हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो फिर उसका एरोमा हमको नहीं देखने को मिलता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तब पार्टिकल्स इंटरमिक्स नहीं कर पाते, वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, एरोमा स्प्रेड नहीं करता, इस केस में नहीं करता। तो यही रीजन है, इससे हम इस एग्जाम्पल के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। So this is the required answer for this question. The given statement is a false statement. Thanks for watching. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।